हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ रखा था फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो बनाए कैसे जाते हैं। और आज की क्लास, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ही वादा किया था, कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और दूसरे फर्दर न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट सर बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ लेनी है व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से डिफर कैसे, देखो ये थ्योरेटिकल में आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट which summarizes the sources of cash and cash inflow and the uses of cash outflow. हमारे पास पैसे कहाँ से आए, याद रखोगे cash, only cash, nothing else. हम लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन देखना है कि कैश का इनफ्लो कहाँ से हुआ और कैश का आउटफ्लो कहाँ से हुआ। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, से अ मंथ और अ ईयर। हम लोग या तो एक महीने में कितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ या एक साल में कितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ, तो ये सारे इनफ्लो और आउटफ्लो को कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो फटाफट नोट डाउन करोगे। पहला ऑब्जेक्टिव, टू थ्रो द लाइट ऑन कैश फ्लो। सबसे पहले वो लाइट दिखाता है, मतलब वो बताता है कि हमारे पास कैश का फ्लो कितना है। सर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों बनाया जाता है कैश फ्लो, तो याद रखोगे कंपनीज को अगर डिविडेंड बांटना है, डिविडेंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस फॉर्म में करेगी, कैश के फॉर्म में। अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी है तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ना। ठीक, दूसरा, अगर आपको किसी को सैलरी पेड करना है तो आपके पास कितना कैश इनफ्लो है। अच्छा, कोई ऑर्डर लेना है तो आपको रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा, तो आपके पास पैसे सफिशियंट अमाउंट में है या नहीं है, ये सारी जानकारी हम लोगों को कहां से मिलेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं और पैसे कहां कहां को आए और कहां कहां को गए, मतलब हमने खर्च कहां किया कंपनी में, किस हेड्स में किया। क्योंकि याद रखोगे कैश फ्लो में तीन हेड्स बनाए जाते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया थ्रो द लाइट ऑन कैश फ्लो। दूसरा अगर देखोगे, टू डिस्क्लोज द चेंज इन कैश पोजीशन, हमारे पास पहले कितना कैश था और अब कितना कैश है, ये कैश पोजीशंस को बताता है। तीसरा, टू डिटरमाइन द कैश रिक्वायरमेंट, हम लोगों को कितने पैसों की जरूरत है, ये हम लोग कैश फ्लो के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, कैश फ्लो बनाकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना कैश हम लोगों को चाहिए। नेक्स्ट लिखोगे फॉर इफिशियंट कैश मैनेजमेंट, हम लोग अपने कैश मैनेजमेंट को कैसे इफिशियंट तरीके से चला पाएं, अपने बिजनेस को कैसे इफिशियंट तरीके से चला पाएं, ये हमें कैश फ्लो बताता है। तो कैश फ्लो के हेल्प से मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम लोग आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टू जज द लिक्विडिटी पोजिशन, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कितने चीजें हैं वो हम लोगों को पता लगती है कैश फ्लो से। ठीक है, टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जैसे हमने अभी बताया प्लानिंग करने में ये हेल्प करता है कैश फ्लो। नेक्स्ट, टू हेल्प इन डिविडेंड डिसीजन, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर डिविडेंड बांटना हो तो कैश हम लोगों को चाहिए, कैश रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये कहां से पता चलेगी कि इस बार डिविडेंड कैश में बांटना है, या कभी कभी होता है ना डिविडेंड के लिए हम लोग बोनस शेयर्स या फर्दर शेयर्स इशू कर देते हैं, तो याद रखोगे कि हमारे पास कैश पोजिशन है या नहीं है, ये हमारा कैश फ्लो बताता है। इज इट क्लियर। कैश फ्लो में मेनली तीन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। देखो ये न्यूमेरिकल के लिए फंड फ्लो और कैश फ्लो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट आउट करते हो एग्जाम में तो 16 मार्क्स आपके हाथ में है, बाकी तो थ्योरीज हैं ही आपकी, तो इसको ध्यान से देख लो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है आप लोगों की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है कैश फ्लो From operating activities, ठीक। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज, और तीसरा जो बनता है वो बनता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन हेड्स हैं हमारे कैश फ्लो के लिए, तो याद रखोगे पूरा आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये तीन हेड्स बनाने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि सर ये बनता कैसे है, तो बहुत ध्यान से आप फॉर्मेट देखोगे और हर एक चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरी डिटेल्स में। तो जल्दी से फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो हम लोगों का ऑप्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले हम लोगों को बना लेनी है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दो कॉलम हमने बना रखा है अमाउंट का। सबसे पहला ए दिख रहा होगा आपको, हमने लिखा है ऑप्शन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं इसके फॉर्मेट बता रहा हूं। उसके बाद बनता है बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो अमाउंट बाहर होगा। फिर बनेगा उसके नीचे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही आ जाता है 16 मार्क्स में, ऑपरेटिंग बनाइए फुल मार्क्स ले जाइए, समझ में आ गई बात। तो आप पहले ऑपरेटिंग सीखेंगे, ठीक। ऑपरेटिंग कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का, और अगर कुछ बच्चों ने नहीं देख रखा है तो मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, आप वीडियो के लास्ट में जाओगे वहां आपको लिंक मिल जाएंगे, आप सारे फंड फ्लो और कैश फ्लो के वीडियोज देख सकते हो जो हमने पहले पार्ट वन में बना रखे हैं, ठीक है। जैसे देखोगे अगर मान लो बैलेंस शीट दिया हुआ है 2010-2011 और वहां पीएल लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीएल किस किस नाम से जाना जाएगा, तो या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, ये नाम से आपका लिखा हुआ रहेगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो सबसे पहले मान लो पीएल दिया हुआ है, दो ईयर्स दिए रखे हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है 10,000 और यहां लिखा हुआ है 12,000, तो 10 से 12 हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 2,000, और यही 10 से मान लो 2 हो गया तो हमें लॉस हो गया क्योंकि घट गया, तो हमें लॉस हो गया कितने का 8,000 का। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी कभी ईयर्स उल्टा रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2011 और 2010, ठीक। पहले हम लोग पिछली बार कंपेयर कर रहे थे 10 से 2 हो गया 8, मतलब लॉस हो गया। इस बार देखो अगर ईयर उल्टा हमने कर दिया तो 11 से 10 तो नहीं देखेंगे, 10 से 11 देखेंगे, मतलब 2000 से कितना हो गया 10,000 हो गया, दिख रहा ना ईयर उल्टा है। तो आपको ऐसे कंपैरिजन करना है कि 2010 से 2011, 2000 से 10,000 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, दैट मींस हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो इस टाइम पर हम लोग यहां प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो आपको ईयर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ईयर कैसा लिखा हुआ है, अगर ईयर सीधा है जैसे 10-11 है तो फिर 10 से 2 हो गया मतलब घट गया मतलब लॉस हो गया, ठीक। अगर आपकी प्रॉफिट आएगी तो वो प्लस में जाएगा, अगर वो आपकी लॉस आएगी तो वो माइनस में जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ऐड क्या करने हैं, इसमें ऐड कर लेने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपको ऐड कर लेने हैं। जैसे सर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर आपको ऐसे ही जनरल रिजर्व, मान लो यहां पर जनरल रिजर्व दिया गया है 10,000 से 12,000, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा 2,000, यहां पर लिख दोगे 2,000 रुपए, ठीक। और अगर सर 10 का 10 रह गया, कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दूसरा लिखना है आपको डेप्रिशिएशन, कोई भी डेप्रिशिएशन दिया रहेगा आपको वो लिख देना है। तीसरा लिखना है लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको ये लिख देना है, कोई भी लॉस अगर फिक्स्ड एसेट्स में हुआ तो लिख देना है। डिविडेंड पेबल आपको लिख देने हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स जैसे होता है, या कोई भी प्रोविजन हो आपको प्रोविजन लिख देने हैं, ठीक।
डिविडेंड पेबल लिख देना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, आपको ये लिख देने हैं। ये सारे आइटम्स आपको कम से कम, मिनिमम मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, कम से कम आपको इतने आइटम्स को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक और आता है प्रीलिमिनरी या गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर आपका गुडविल अमाउंट दिया हो और रिटर्न ऑफ हो, याद रखना आपको तभी लिखना है जब ये रिटर्न ऑफ हो, मतलब कम हो गया हो, ठीक है। जैसे 10,000 से 8,000 हो गया हो, रिटर्न ऑफ होगा गुडविल का अमाउंट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट, तभी आपको यहां लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। अगर इंक्रीज कर गया तो यहां नहीं जाएगा, ये आप याद रख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये सारे आइटम्स आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक। अच्छा, ऐड करने के बाद इसमें से लेस क्या होगा? लेस हो जाएंगे सर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक। जो आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको लिखना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसके बाद आपको इसमें ऐड कर लेने हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। सर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आपको बैलेंस शीट में दी रहेगी, आराम से उसको उठाना है और आपको देख लेना है, ये ऐड में जाएगा। और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर मैंने लिख दिया स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या होगा करंट एसेट्स, देखो 10,000 से 8,000 डिक्रीज कर गया ना, स्टॉक मतलब एसेट्स डिक्रीज किया, तो देखोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहां लिखा हुआ, एड में, मतलब यहां स्टॉक लिखेंगे कितना घट गया 2,000, यहां लिख देंगे 2,000, उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। इसके अपोजिट मान लो यहां लाइबिलिटीज लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज हो गया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लाइबिलिटीज है। 10,000 से 8,000 डिक्रीज कर गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ध्यान दोगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज डिक्रीज यहां कर रहा है, लेस में तो यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स 2,000। आपको बस देखना है कौन सा इंक्रीज किया कौन सा डिक्रीज किया, करंट एसेट्स है या करंट लाइबिलिटीज है, आपको इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लास्टली क्या करना है, ऐड और लेस, जो भी ऐड में जाएगा वो ऐड, जो भी लेस में जाएगा वो लेस। और एक चीज याद रखनी है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी लेस में होगा वो माइनस में अंडर ब्रैकेट हो जाएगा, कुछ भी अगर आपको माइनस में लिखना है तो उसको अंडर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, याद रखोगे। अंडर ब्रैकेट का मतलब ही होता है वो माइनस है, ठीक है। अब प्लस माइनस करके अकाउंट आपको आ जाएगा, उसमें से आपको लेस कर देना है टैक्स पेड, जो भी टैक्स होंगे आपके पेड, याद रखोगे पेड, वो आपको यहां पर पेड कर देना है, और उसमें से माइनस कर देना है, जो भी अमाउंट आएगा वो बाहर कर देना है। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये है फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट याद रखोगे, ये 5 से 6 आइटम है। अब आप लोग अगर इसको पूरी डिटेल्स में समझना चाहते हो तो कैश फ्लो का एक वीडियो है जो लास्ट में लिंक में मैंने शेयर कर रखा है, आप उसको देख लोगे, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और क्योंकि वीडियोस मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया गया है, इसलिए इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को बता रहा हूं जिससे आपका आसानी से एग्जाम पैटर्न निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है, क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेप्रिशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ये आपको याद रखना है। इतना ऐड होता है, बाकी लेस होता है, और ये करंट एसेट्स। अब एक क्वेश्चन को मैं लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि इस फॉर्मेट पर सर बनता कैसे है। तो फटाफट चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को डील करते हैं।
चलिए, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारे सामने एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें इक्विटीज, लाइबिलिटीज, शेयर्स कैपिटल सारे दिए गए हैं, एसेट्स दिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा नीचे देखोगे सबसे नीचे लास्ट इन्फॉर्मेशन 1, 2, 3, 4 कुछ दिए गए हैं। ठीक है, हम लोगों को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में हम लोगों को सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले देखो शेयर्स कैपिटल दिया गया है, उसके नीचे ही देखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 204,000 और 1,68,000, 2,04,000 एंड 1,68,000, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, यहां पर देखोगे ईयर की बात की जाए तो ईयर 2013 एंड 12 उल्टा दिया गया है, तो कंपैरिजन भी उल्टा करेंगे, मतलब 12 से 13 को कंपैरिजन कीजिए। तो जैसे ही 12 से 13 को कंपेयर करते हो तो 168 से 2,04,000 इंक्रीज कर गया ना, बढ़ गया ना। अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। आइए देखते हैं। तो सर, हम लोगों के पास प्रॉफिट कितना था? 2,04,000 माइनस 1,68,000। अगर मैं माइनस करूं तो यहां पर ध्यान दोगे 6 इधर आ गया, 9,639, 36,000 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 36,000। अगर ये लॉस होता तो अंडर ब्रैकेट चला जाता। ठीक है, लॉस होता तो अंडर ब्रैकेट माइनस में चला जाता। अब हम लोगों को क्या देखना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहला आइटम है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखें, चलिए आइए बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट में अब जनरल रिजर्व खोजिए, कहीं जनरल रिजर्व दिख रहा है? हाँ सर, शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और तीसरे नंबर पे ही जनरल रिजर्व है। तो अब जनरल रिजर्व देखो, 9 लाख से 9,30,000, कितना एक्स्ट्रा है? 30,000। आइए तो सबसे पहले देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना आ गया सर, 30,000 लिख देंगे। तीसरा, अब बात कर लेते हैं डेप्रिशिएशन। सर डेप्रिशिएशन अब हम लोग पूरे क्वेश्चन में खोजते हैं, खोजिए। अब फिर से बैलेंस शीट देखिए, आपको डेप्रिशिएशन कहीं दिख रहा है? देखिए सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, ऊपर से पढ़ लीजिए, कहीं भी डेप्रिशिएशन दिख रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। स्टेटमेंट में बात की जाए तो हम लोगों को स्टेटमेंट में भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है और एक फिक्स एसेट्स को शोल्ड आउट किया गया, या डेप्रिशिएशन को लिखा नहीं गया है। आइए तो अब अगर डेप्रिशिएशन आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे तो सर फिर कहां से निकलेगा? आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपको स्टेटमेंट में साफ साफ डेप्रिशिएशन दे दिया गया तो आप डायरेक्टली माइनस करके पुट कर दीजिएगा डेप्रिशिएशन जितना होगा। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिशिएशन नहीं दिया गया तो आपको फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट खोलने होंगे, जैसे कि मैं खोल के बता रहा हूं। देखो यहां हम लोग सबसे पहले खोलने जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ये आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में हेल्प करेगा। ध्यान से सुनोगे ये बनता कैसे है। सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट, जो भी एसेट्स होगा उसको ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी आपको लिख देना है और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आपको लिख देनी है। फिक्स एसेट्स हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, आपका अलग अलग अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ फिक्स एसेट्स दिया गया है। ठीक है, फिक्स एसेट्स हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन कोई और चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान दें। सबसे पहले एसेट्स में देखोगे, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट दिया गया आपका, ओपनिंग है 22 लाख और क्लोजिंग है 19,60,000। देखो सबसे पहला प्रीवियस ईयर जो ओपनिंग है 22 लाख का, आइए तो ओपनिंग हम लोग लिख देंगे 22 लाख और क्लोजिंग है 19,60,000। ये ओपनिंग और क्लोजिंग सबसे पहले आपको पुट कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखने हैं, नीचे जाओगे स्टेटमेंट, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 वेयर सोल्ड फॉर 36,000। ठीक है, 30,000 के एसेट्स को हमने 36,000 रुपए में बेच दिया। आप दिमाग लगाओ, 30,000 के एसेट्स को अगर 36,000 में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ज्यादा में बेच रहे हैं ना, 30 के सामान को 36 में बेच रहे हैं, 6,000 ज्यादा में बेच रहे हैं, मतलब 6,000 का हम लोगों को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर हम लोग याद रखोगे बाई लिखते हैं डेप्रिशिएशन, जो हम लोगों को नहीं पता है, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी शोल्ड करोगे तो बाई बैंक लिखोगे या कैश लिखोगे, हम यहां बैंक लिख रहे हैं। सर कितने में बेचा हमने? 36,000 में बेच दिया।
कितने की एसेट्स थी? सर 30,000 की एसेट्स थी, जिसमें हमको प्रॉफिट हो गया। जब भी याद रखो, प्रॉफिट होगा तो 2PL, लॉस होगा तो YPL। अगर यहां लॉस हो जाता, 30,000 वाले सामान को हम 25,000 में, 20,000 में कम में बेच देते, तो यहां YPL लिखते जितना लॉस होता। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिखेंगे 2PL प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया था सर? 6,000 रुपए का। ठीक, और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फिक्स एसेट्स में नहीं है, और इतना ही होता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिशिएशन अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। सोल्ड किया हमने जितने में, वो सोल्ड का प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, और देख लेना है प्रॉफिट आया या लॉस आया। लॉस आएगा तो बाई में, प्रॉफिट आएगा तो टू में लिख देना है। अब इसको इंक्लूड करके बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ बात करें तो 22,000, 22,06,000 आ गई, सेम अमाउंट 22,06,000 हमने लिख दिया। अब आ गया 22,06,000 माइनस, इसे ऐड कर लेते हैं, 6,639,19 माइनस करेंगे 0,01,210,000 डेप्रिशिएशन हो जाएगा 2,10,000। समझ में आ गई बातें? अब ये डेप्रिशिएशन पुट कर देंगे हम लोग डेप्रिशिएशन में, 2,10,000। देखो, जरूरी नहीं है आपका कि डेप्रिशिएशन बैलेंसिंग फिगर से ही निकले। क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दे दिया, इजी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा डेप्रिशिएशन इतना, बस उठा के पुट कर देना है। ठीक, अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सर फिक्स एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर लॉस होता तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट होगा तो नीचे लेस करेंगे। तो सर लॉस तो है ही नहीं, हम इसको इरेज कर देते हैं। सर लॉस का आइटम है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। चलिए, मैंने हटा दिया लॉस का आइटम। अच्छा, फिर क्या है? डिविडेंड पेबल। आइए क्वेश्चन में आते हैं, डिविडेंड पेबल है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे नीचे स्टेटमेंट देखिए, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर? 1,20,000 मिल गया। हाँ सर मिल गया, मक्खन। चलिए सर आइए, डिविडेंड पेबल कितना हो गया सर? 1,20,000 हो गया ना, मस्त। तो देखो, स्टेटमेंट जितना भी दिख रहा है, एकदम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बस ये माइंड सेटअप कर लेना है, स्टेटमेंट पुट करते चले जाना, और कुछ भी नहीं है। ठीक, डिविडेंड पेबल मिल गया। अब हम लोग देखें प्रोविजन फॉर टैक्स या डाउटफुल डेब्ट्स। अब फिर से आइए क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में देखोगे, पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000, पहला पॉइंट आपको यहां मिल गया। ऊपर बैलेंस शीट में आइए। अब जैसे ही बैलेंस शीट में जाते हो, लाइबिलिटीज में जाइए, सबसे ऊपर शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, और नीचे देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स। सर यहां भी टैक्स दिया हुआ है और नीचे भी टैक्स दिया हुआ है। हाँ सर, ये तो लफड़ा हो गया। याद रखोगे, अगर टैक्सेस के अमाउंट आपको तीन जगह दिए जाएं, दो तीन जगह दिए जाएं, जैसे आपको बैलेंस शीट में भी दे दिया गया और नीचे भी दे दिया गया, तो आपको टैक्स का अकाउंट खोल लेना है। जो कैसे बनेगा वो ध्यान दें, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनोगे ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरी बातें ध्यान से सुनोगे और इसको अप्लाई भी करोगे, ठीक है? दो तीन क्वेश्चन ट्राई करोगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है, बाई बैलेंस बीडी होगा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी होगा, पहला पॉइंट। ठीक, अच्छा, यहां लिखना है टू बैंक, ये हो गया पेड, और यहां लिखना है बाई पीएल, ये हो गया मेड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में देखना है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया गया था, आपको मैंने बताया ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना है, और क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट में देखना है पेड लिखा है या मेड लिखा है। अगर मेड लिखा है तो मेड लिखिए, उससे पेड निकल जाएगा, और अगर पेड दिखा है तो उससे मेड निकल जाएगा। मतलब कहने का है, ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख दिया हमने, अच्छा ये वाला दिया गया है तो ये निकल जाएगा, ये दिया गया है तो ये निकल जाएगा। अब ये दोनों का सर कहां पे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, कहां पे इसको पुट किया जाएगा? याद रखोगे, जो मेड है पीएल का, जो ये वाला फिगर आएगा वो आपका यहां प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में यहां जुड़ जाएगा,
और ये जो पेड है लास्ट में देखो टैक्स पेड मैंने लिखा है, ये टैक्स पेड यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट से आपको ये पेड जो है ये लास्ट में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये अमाउंट जो है यहां ऐड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो गए प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो पॉइंट नंबर टू ऊपर स्टार्टिंग में नॉन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में देखो कितना दिया गया है सर, 225,000 और 30,000। 225,000 ओपनिंग बैलेंस है। आइए अब ओपनिंग बैलेंस देखिए, 225,000 सर दिया गया है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है सर, 30,000। ठीक, पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, ठीक। फिर से देखिए बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट अगर आप देख पा रहे होगे, फिर से देखोगे बैलेंस शीट में लास्ट पॉइंट देखोगे, पॉइंट नंबर आपका लिखा गया है टू नीचे एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड ध्यान दीजिए वहां मेड लिखा हुआ है, मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। आइए तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड सर पेड नहीं है, मेड है, कितना है 27,000। अगर मेड है तो ये मेड यहां ऐड हो जाएगा 27,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिख देना है 27,000, और ये जो पेड का बैलेंसिंग फिगर आएगा ये लास्ट में हम लोग को पेड कर देना है। तो हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, पहले जीरो, तीन दो पांच दो, 2,52,000, 2,52,000, 52 से 30 माइनस करेंगे 2,22,000, 2,22,000 हमारा पेड आ जाएगा जो लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया पेड, तो लास्ट में जब हम लोग बनाएंगे तो ये पेड वाला लिख देंगे। तो मेड तो मिल गया सर, मेड लिखा हुआ था हमने लिख दिया। अब क्या कहता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, सर ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि डिस्काउंट है, और तो सर डिस्काउंट नहीं है तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद क्या कहता है सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल रिटर्न ऑफ। आइए चलते हैं देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल है या नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल की चर्चा नहीं हुई है। क्वेश्चन में आप देख लोगे ऊपर से नीचे तक देखिए, कहीं भी गुडविल आपको ऐसे मिलेगा कहाँ सर, एसेट्स में आपको मिल जाएगा गुडविल, तो एसेट्स में देखिए कहीं भी एसेट्स में गुडविल लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए नहीं है, ठीक है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए अब हम लोगों ने देखा कि सारा आइटम्स तो हमने लिख दिया, अब आते हैं इनकम की ओर। सर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या प्रॉफिट हुआ था? हाँ सर, हमने फिक्स एसेट्स बेचा था और फिक्स एसेट्स में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, 30 वाले को 36 में बेचा था, 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितने में हमने बेच दिया सर, 6,000 रुपए में बेच दिया। ये लेस है, ध्यान दोगे लेस, ये लेस हो जाएगा, ठीक। और कोई प्रॉफिट है क्या सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप जैसा देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर वन एडजस्टमेंट देखिए नीचे, पॉइंट नंबर वन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500, 24,000 के सामान को 25,500 ज्यादा में बेच दिया। अब ज्यादा हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, तो सर प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर कितने का प्रॉफिट हो गया, 1500 का प्रॉफिट हो गया, आपको ये लिख देना है 1500, ठीक। और कोई भी प्रॉफिट नहीं है, इसको ऐड और लेस कर लेना है। तो सारी चीजों को हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद फिर लेस करेंगे। ऐड कीजिए 7, 6, 13, 13, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 4 4,23,000, 4,23,000। अब देखोगे 4,23,000 में से हमें 6 और 1, 7,500 माइनस कर देने हैं, 7,500 हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 500, कैरी कर लेंगे 7, 3, 10, 2, 12, 1, 4,15,500, ये आ गया 4,15,500। ये जो अमाउंट आएगा आपका वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपका अमाउंट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये आ गया हमारा डिक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें हम लोग ऐड और लेस करते हैं डिक्रीज और इंक्रीज, जैसे मैंने बताया था करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को, जिसके लिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, शो कर रहा होगा आपको, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज की, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज ऊपर में आपको दिख रहा होगा,
करंट लायबिलिटीज में आपको सिर्फ दिख रहा है ट्रेड पेबल, दिख रहा है सबसे देखिए नीचे पॉइंट नंबर 3 ट्रेड पेबल लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल में संडे क्रेडिटर्स कितना है, 5,04,000 से 4,02,000, आपको पता है 5 से 4 घट गया ना, 1,02,000 रुपए घट चुके हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपको दिख गया, आइए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपने देखा वहां घट गया था 1,02,000, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, देखो ये करंट असेट्स ये करंट लायबिलिटीज, ये करंट असेट्स ये करंट लायबिलिटीज, वहां घट गया था डिक्रीज हुआ था। लायबिलिटीज देखो ये लायबिलिटीज है ये भी लायबिलिटीज है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है, लायबिलिटीज डिक्रीज या इंक्रीज, तो सर वहां घट गया था डिक्रीज हुआ था, तो हम लोग कहां लिखेंगे लेस में, तो यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना घट गया था सर 1,02,000, और क्योंकि ये लेस में है इसलिए माइनस ब्रैकेट में, देखो जो भी लेस में रहेगा वो माइनस ब्रैकेट में रहेगा अंडर ब्रैकेट, ठीक क्रेडिटर्स लिख दिया। आइए दूसरा आते हैं फिर से क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए, तो सर करंट लायबिलिटीज एक ही था खत्म हो गया, नीचे आइए करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स में देखोगे इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल और कैश और बैंक दिए गए, ठीक है। कैश फ्लो में याद रखोगे कैश और बैंक को हम लोग नहीं लिखते हैं, कैश फ्लो में कैश और बैंक को नहीं लिखते हैं, बाकी सारे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखा जाएगा। तो करंट एसेट्स में सर दो ही बच गया, एक इन्वेंटरी स्टॉक और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल डेटर। तो पहले स्टॉक की बात करते हैं, देखोगे पॉइंट नंबर 2 स्टॉक देखो 7,00,000 से 6,30,000 घट गया ना, 7,20,000 से 6,30,000 आई 7,20,000 से 6,30,000 रुपए घट चुके हैं, कितना घट गया 90,000 रुपया डिक्रीज कर गया। असेट्स था ना स्टॉक, क्या होता है असेट्स डिक्रीज कर गया घट गया, देखो करंट असेट्स ये इंक्रीज ये डिक्रीज, डिक्रीज है तो कहां लिखेंगे एड में, सर स्टॉक घट गया था 90,000 रुपए, माइनस करके देख लोगे 90,000 रुपए घट गया, लिख दिया हमने, ठीक। आइए फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपको दूसरा दिखेगा इन्वेंटरी स्टॉक के नीचे डेटर, डेटर कितना है 6,00,000 से 13,00,000, सर बढ़ गया ना 6,00,000 से देखोगे 13,00,000 डेटर हमारा बढ़ चुका है, कितना बढ़ गया सर माइनस करके देख लोगे 7,35,000 बढ़ चुका है इंक्रीज। आइए डेटर इंक्रीज कर गया, असेट्स इंक्रीज ये डिक्रीज है ये इंक्रीज है, ये मतलब यहां लिख देंगे हमारा डेटर इंक्रीज कर गया 7,35,000, बस दो ही थे सर बाकी तो खत्म हो गया, जितना भी हमारा असेट्स था कैश बैंक तो लिखते नहीं है, तो ये हम लोगों का 7,35,000 बस खत्म हो गया। अब इसको हम लोग को ऐड और लेस कर देना है, जो भी ऐड लेस करके आएगा उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है टैक्स पेड, तो ध्यान दीजिए ऐड और लेस, अब हम लोग का ये ऐड में है तो 4,15,000 में से 90,000 ऐड कर लेंगे रफ में, 500 आ गया, 5 आ गया, 9 1 10 4 1 5 हो गया। अब यहां से लेस करें तो आ जाएगा आपका 0,00,000 5,27 3,07 1 8 8,37,000 माइनस में है, और सर ऊपर कितना प्लस में आ रहा 5,00,000, तो प्लस माइनस माइनस 5,05,500 माइनस करें 500, इससे कैरी करेंगे 6 से 5 गया 1, 3 का 3, 8 से 5 गया 3, 3,31,000 बड़ा कौन है माइनस में है इसलिए ये भी माइनस में आएगा, तो आ गया 3,31,500 सर माइनस में। लास्टली क्या है टैक्स पेड, अब देखो यहाँ पेड हमने बताया था ना पेड कितना था, ये मेड हो गया ये पेड हो गया, कितना है 2,22,000, तो हम लोग लेस कर देंगे 2,22,000 ये हो गया टैक्स पेड। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5,35,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन गया। देख ले सारे फॉर्मेट्स में, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, समझें ध्यान दें और इसको कॉपी कर लें। हम लोग इसका बना रहे हैं ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग बन गया, अब दूसरा बनाएंगे इन्वेस्टिंग, ठीक। फटाफट आप लोग कॉपी कर लें, और अगर कॉपी नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बाद में आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसको देख लेंगे, क्वेश्चन से मैच करते जाओगे और कॉपी करते जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए हमने सबसे पहला पार्ट ए बना लिया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,00,000
53,500। आपने देखा वो आंसर कैसे आया, आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, फिर उसके नीचे उसको क्लोज करके बाहर कर देना है, फिर उसके नीचे ही जैसा आप देख पा रहे होंगे हम लोग बी बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग ये बनाएंगे कैश फ्लो इन्वेस्टिंग। ये काफी ईजी है, सबसे जो ज्यादा मेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग को हमने बहुत अच्छे तरीके से, इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे। ये मैंने सारी चीजों को लेकर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको जिसमें सारे पॉइंट्स आपके आ गए हैं, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो नहीं आपका आया होगा। तो एग्जाम में आप अगर भूल भी जाओ, आप बार बार पहले इसको रिवाइज कर लो, एग्जाम जाने से पहले भी एक बार इसको देखकर चले जाओ, वहां आसान तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। बस मेरे पॉइंट्स को याद रखना, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इन्वेस्टिंग याद रखें, इन्वेस्टिंग हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स। याद रखोगे, एकदम ध्यान से सुन लो, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, नथिंग एल्स। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, और कुछ भी नहीं लिखना है। तो फिक्स्ड एसेट में लिखना क्या है सर, सिर्फ परचेज और सेल। अगर वो परचेज हुआ है तो पैसा गया, अगर कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो पैसा गया, और अगर कुछ सेल करते हैं तो पैसा आया। मतलब अगर देहाती लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर हम कोई भी सामान परचेज करेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे, कोई भी सामान हम सेल करेंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे। और वो पता कैसे चलेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट खोलकर। जैसे ही आप फिक्स एसेट्स अकाउंट खोलोगे आपको परचेज और सेल पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिशिएशन और सेल सारा कुछ दिया रहता है। तो जब सारा कुछ दिया गया है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिया गया है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका इस साइड कम आएगा, और इस साइड आएगा मतलब वो टू बैंक परचेज हो जाएगा। बाय बैंक मतलब सेल, टू बैंक मतलब परचेज। जैसे इस क्वेश्चन को हमने बना रखा है, मान लो इस साइड ज्यादा आ जाता, ठीक है, और इस साइड कम आता, तो यहां लिखते हैं हम लोग टू बैंक, और वो हो जाता क्या हमारा परचेज। क्लियर, जैसे हम लोगों ने अभी निकाला डेप्रिशिएशन, क्लियर है ना, तो वहां वो परचेज हो जाता है। तो इस अकाउंट से आपको पता चलेगा वो परचेज है या सेल है। अगर वो परचेज है तो यहां लिख देना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस में, वो सेल है तो यहां लिख देना है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस में। जैसे यहां सेल दिख रहा है हम लोग को, 36,000 का सेल है फिक्स एसेट्स का, तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, सर सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर कितने बेचा हमने, 36,000, ठीक लिख दिया पहले, और तो कोई परचेज नहीं है छोड़ दें। अब फिर से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे हम लोगों फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दो चीजें हैं। तो एक फिक्स्ड एसेट्स तो हमने लिख दिया, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम लोग नीचे जाएं तो नीचे देखोगे पॉइंट नंबर वन एडजस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वेयर शोल्ड फॉर 25,500, हम लोगों ने बेच दिया है 25,500 में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, आइए देखते हैं। तो अब हम लोगों को पता है कि सर इन्वेस्टमेंट का सेल दिया हो गया, अब सेल दिया गया है तो उससे भी हम लोग अकाउंट खोल लेंगे और देख लेंगे कि हमारा कहीं परचेस तो नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने तो ये कॉपी कर ही रखा है फिक्स एसेट्स अकाउंट, इसी में मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलता हूं। ध्यान दोगे, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने जा रहा हूं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट आपका दिया गया है 1,50,000 और 1,80,000, ठीक। तो आप सबसे पहले लिखोगे 1,50,000 और क्लोजिंग लिख दोगे 1,80,000। दूसरा है बाय बैंक जो सेल को बताता है, सर सेल हमने किया कितने में किया, 25,500 में, 25,500 में, जिसे हमें प्रॉफिट हो गया। तो 2PL कितने का प्रॉफिट हो गया था सर, 1500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया था, और तो कुछ भी नहीं दिया गया है, जोड़ लेंगे। मैंने क्या बताया था, अगर इस साइड कम आएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैंक, जो हमें क्या बताएगा, परचेस को। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सभी चीज मिल गई, सारी चीजों को हमने इस क्वेश्चन में अटैच कर रखा है, तो सारा का सारा निचोड़ आपको इससे मिल जाएगा। देखो कैसे बताया मैंने, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, सेल था हमने सेल लिख दिया, ठीक, प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, लॉस होता तो इस साइड, जैसे अगर हम कम में बेच देते तो बाई पीएल लिख देते लॉस। मैंने दोनों तरफ देख लिया, देखो इधर 180 है, इधर 150, इस साइड कम है ना, तो इस साइड जो बैलेंसिंग कर रहा था वो परचेज, मैंने अभी डिस्कस किया था, ऐड कर ले कितना कम आ रहा है सर, 500, 5, 10, 1, 1, 2, 2,05,000, यहां भी लिख लेंगे 2,05,000, ठीक, ऐड कर लेते हैं 2,05,500,
माइनस, अब यहां देखोगे 150,000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 1,51,500, 1,51,000, इन दोनों को जोड़कर मैंने लेस किया, 045 कितना आ गया सर 54,000, ये आ गया परचेज। अब यहां पर लिख देंगे, पहला तो सर सेल किया था इन्वेस्टमेंट को हमने, इन्वेस्टमेंट सेल किया था हमने, फिक्स एसेट्स की जगह इन्वेस्टमेंट लिख लोगे, हमने सेल कितने में किया था देखोगे यहां 25,500, जो भी सेल होगा दोनों प्लस में। अब यहां पर सर परचेज भी आ गया, सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सर कितना परचेज आ गया 54,000, 54,000 माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब ये तीनों को क्योंकि फिक्स एसेट्स में दो ही थे, इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स हो गया हम लोगों का, दोनों को जोड़ लेते हैं माइनस कर लेते हैं, देखो 6, 5, 11, 1, 3, 2, 5 और 1, 6 61,500 प्लस में, 54,000 माइनस में, माइनस करेंगे 500, 7, 4, 11, 7,500 बड़ा कौन है प्लस, तो 7,500 हमारा आ गया प्लस में, ये आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया। तो यहां पर लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, याद रखोगे जब भी आपका प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्लो लिखेंगे, अगर ये माइनस में आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन जो भी रहेगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो हम लोग क्योंकि इन्वेस्टिंग बना रहे इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हम लोग का बन गया बी, बी काफी इजी है, इन्वेस्टिंग काफी इजी है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल कहां से पता चलेगा वो आप अकाउंट खोलकर देख लोगे कि परचेज आया सेल आया, उठाना है पुट करना है प्लस माइनस करना आ गया बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें एक्स्ट्रा। अब हम लोग चलेंगे इसके सी नंबर पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स लोन इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सब इसमें जाएगी। ठीक, या इसको अगर देहाती में ऐसे समझा जाए तो याद रखोगे हम लोगों ने इसमें करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज वगैरह दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, रिजर्व दिखा दिया, इसमें इन्वेस्टिंग में हमने फिक्स एसेट्स को दिखाया, तो जो चीजें हमने दिखा रखी है उसको छोड़कर जो भी चीज बचा है सब फाइनेंसिंग में डाल दो। बहुत सिंपल सा, जो भी चीज हमने दिखा रखी है उसको छोड़कर जो भी बचा वो फाइनेंसिंग में डाल दो, प्लस देखो कि वो शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड लोन से रिलेटेड है या नहीं। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऊपर में हमने डाल भी दिया लेकिन वो फाइनेंसिंग मतलब शेयर्स डिबेंचर या बॉन्ड से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे डिविडेंड वगैरह ऊपर में भी हमने लिखा था लेकिन उसको हम लोग यहां भी पुट करेंगे क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो शेयर से रिलेटेड है, वो बॉन्ड से रिलेटेड है, वो डिबेंचर से रिलेटेड है। समझ में आ गया, तो हम लोग वैसे ही देखते हैं सबसे देहाती चीज में देखते हैं कि जो हमने लिख दिया उसको छोड़कर क्या बचता है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखो 2350 2350, कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसमें आपको याद रखना है कि अगर शेयर्स कैपिटल इंक्रीज करता बढ़ जाता तो पैसा आया, तो उस टाइम पर हम यहां लिख देते इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, और पैसा अगर घट जाता तो हम लोग यहां लिख देते रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। इशू में पैसा आता मतलब बढ़ गया तो वो प्लस में लिखते हैं, घट गया तो रिडेम्पशन हो जाता है वो माइनस में लिख देते हैं। बस आपको छोटा सा ये बात याद रखना है पहला शेयर कैपिटल का। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, फिर से देखोगे क्वेश्चन में नीचे शेयर कैपिटल के बाद स्टेटमेंट पीएल, सर हमने लिख दिया था पीएल स्टार्टिंग में ही छोड़ दें। जनरल रिजर्व, हाँ सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख दिया था छोड़ दें, देखो बहुत आसान है जो लिख दिया था छोड़ दें ध्यान दो। प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया था छोड़ दें, मॉर्गेज लोन सर नहीं लिखा था। मॉर्गेज लोन में देखोगे पिछले साल कुछ भी नहीं था, इस साल 8,10,000, मॉर्गेज मतलब होता है बंधक गिरवी। आए अब देखोगे कि हम लोगों ने गिरवी ले रखा है 8,10,000 का लोन, तो पैसा आ गया ना हमारे पास लोन टेकन, तो यहां पर लिख दोगे मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन बंधक लिया मैंने 8,10,000, पैसा आ गया। यही कम हो जाता तो पैसा पेड हो जाता तो माइनस कर देते क्योंकि पेमेंट कर दिया हमने लोन का। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए,
अब मॉर्गेज लोन के बाद देखिए करंट लाइबिलिटीज जो हमने लिख रखा है ऑलरेडी, फिर नीचे आइए फिक्स एसेट्स हमने लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट हमने लिख रखा है, करंट एसेट्स हमने लिख रखा है, सारा लिख रखा है। कैश बैंक, सर कैश बैंक तो लिखते ही नहीं है, छोड़ दें। नीचे देखें, नीचे देखोगे एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, सर इन्वेस्टमेंट है हमने लिख रखा था, और ये भी ऐसे भी शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर से रिलेटेड नहीं है। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स, सर ये भी शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दें। तीसरा में फिक्स एसेट, सर हमने इसको लिख रखा था और ये भी शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर से रिलेटेड नहीं है। चौथा है डिविडेंड पेड, हाँ सर ये लिख तो रखा था लेकिन डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है इसलिए यहां आ जाएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। सर डिविडेंड पेड हम लोगों का कितना लिखा हुआ था 120,000, तो हम लोग यहां पर भी इसको लिखेंगे 120,000। ठीक, तो ये चीज याद रखोगे। कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर कौन सी चीजें ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, तो वैसी चीजें जो शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स लोन से रिलेटेड हो वो हम लोगों का ऊपर जाएगा अगर, तो वो नीचे भी आएगा, फाइनेंसिंग में भी आएगा, क्योंकि वो शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर से रिलेटेड है। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड पेड था इसलिए माइनस में जाएगा। ठीक, मॉर्गेज लोन हमने टेकन किया था इसलिए प्लस में जाएगा, माइनस प्लस कर ले, जीरो एक से दो गया, नौ दो ग्यारह, सात से एक गया छः, 6,90,000 बड़ा में प्लस है इसलिए प्लस में जाएगा, 6,90,000 ये प्लस में चला गया। इसको लिख देंगे नेट कैश। अब देखो ये अगर माइनस में आएगा तो यूज लिखेंगे, प्लस में आएगा तो फ्लो, तो नेट कैश प्लस में आया इसलिए फ्लो फ्रॉम किससे आया, फाइनेंसिंग, तो यहां लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बन गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कैश फ्लो में, समझ में आ गई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, घर पे बुक्स होंगे ही आपके, उससे ट्राई करो, और ये सारे पॉइंट्स का निचोड़ मैंने एक वीडियो में बता दिया जिससे आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें डाउट रह गया। तो यहाँ हम लोगों की कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होती है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें, पढ़ लें, और जैसा कि मैंने बोला डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि सर कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं तो वो मुझे बता दें। इसके बाद हम लोगों का जो लास्ट वीडियो आएगा वो है पार्ट थर्ड, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ, सारे थ्योरीज जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो आप न्यूमेरिकल इससे कर सकते हो और थ्योरीज, और अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या उसमें कुछ थ्योरीज बच जाएगी तो मैं सॉरी अगर कुछ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच जाएंगे तो थ्योरी के साथ मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी उसमें डील कर दूंगा। तो लास्ट आपका पार्ट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही आपको फर्दर सब्जेक्ट्स के वीडियो भी साथ ही साथ मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।